हेलो बच्चों, मैं जैन अत्राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 विज्ञान विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। यह बहुविकल्पी प्रश्न रसायन विज्ञान से संबंधित है। आइए बारी बारी से देखें, यह प्रश्न पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आइए बारी बारी से इनको देखते हैं। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का सूत्र होता है C3H7OH, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अधातु है, इसमें F अधातु है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो यहाँ ऑप्शन तीसरा सोडियम सही है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये तीसरा ऑप्शन धावन सोडा का सही है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यहाँ पीएच जो 6 है वह इसका उत्तर है। पीएच जो 7 है उदासीन है, जबकि 8-10 क्या है? क्षारीय है। तो अम्ल ही है क्या जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका ऑप्शन पहला सही है। निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? तो यहाँ ऑप्शन दूसरा सही है, इसमें कीटोन समूह C(O) को हम कीटोन समूह कहते हैं। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी है? तो इसका ऑप्शन है तीसरा, अर्थात कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये ऑप्शन सही है। रासायनिक समीकरण देखिए, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बेरियम सल्फेट बनता है और HCl बनता है। यह जो रासायनिक अभिक्रिया है किसका एग्जाम्पल है? यह अवक्षेपण क्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ BaSO4 ठोस के रूप में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में पड़ा रहता है। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु क्या है? ZN जिंक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8, ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? तो सोडियम बाइसल्फेट, ये अम्लीय लवण है। इस ये रिएक्शन है Fe2O3+2Al=Al2O3+2Fe। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? तो एथेनॉल C2H5OH एथिल अल्कोहल कहलाता है। क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। 7 उदासीन है, 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 से यदि अधिक है तो वो क्षारीय विलयन है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl यह श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? जस्ता जिंक ऑप्शन तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम द्वितीय समूह का सदस्य है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है,
जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता है। ऑप्शन चौथा सही है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ मेथनल है, HCHO, यह एल्डिहाइड का स्वरूप है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। यहाँ पे कॉपर है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, पहले भी बता चुके हैं। अम्ल का जो pH होता है 7 से कम होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, तो P, पहला ऑप्शन सही है, फास्फोरस। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, तो यहाँ पे एथिलीन जो है वो असंतृप्त कार्बन यौगिक है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, तो इसका ऑप्शन होगा सोडियम। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है, यहाँ पे है CHO, एल्डिहाइड समूह इसी को बोलते हैं, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित यौगिकों में से अम्लीय लवण कौन सा है, तो तीसरा ऑप्शन सोडियम। सल्फेट क्या है, सोडियम बाइसल्फेट, यही क्या है, अम्लीय लवण है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन है, तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल जल को जीवाणु रहित बनाने में किया जाता है। क्षारी धातुएं हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तीसरा ऑप्शन सही है, भूरा लाल। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच कितना होता है, 5.2। कोई भी वातावरणीय प्रेसिपिटेशन जिसका पीएच मान 5.2 से कम या 5.2 है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। अगला है, एस्टल एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनॉल है। प्रोपेनॉल है, तो उसका ऑप्शन है C3H7OH। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि टीन अपेक्षाकृत क्या है, कम अभिक्रियाशील है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन 2 पहला सही है, 2। यूरेनियम है, ऑप्शन तीसरा रेडियो एक्टिव तत्व है। नियॉन है, ऑप्शन दूसरा अक्रिय गैस। एस्टल एल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, एथेनॉल है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, अम्ली होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु का जो रिएक्शन होता है, जिसके उपरांत कॉपर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर अलग हो जाता है। यहाँ कॉपर सिल्वर को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ऑप्शन पहला सही है, 10 सहसंयोजन बंध पाया जाता है। नीचे
नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 2PbO प्लस C इक्वल टू 2Pb प्लस CO2 है। पहला वो कथन क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है। बी है कार्बन डाई उपचयित होता है। सी है कार्बन उपचयित हो रही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही है। एक बिलियन का पीएच मान 3 है तो बिलियन क्या कहलाएगा, अम्ली बिलियन कहलाता है। जो विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व कौन कौन से, इसमें Li और Mg क्या है, आपस में विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है, उसमें ऑप्शन दूसरा CH3COCH3, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कितना है, C3H10, ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Zn प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू ZnSO4 प्लस कॉपर बन रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ अधिक क्रियाशील धातु है Zn, वो कम क्रियाशील धातु कॉपर को हटा ले रहा है, अर्थात विस्थापित करके ZnSO4 बना ले रहा है। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडा का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनॉल में OH एक क्रियात्मक समूह है। 10-6MSCl बिलियन का पीएच मान कितना होगा, तो 6 होगा। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत कौन है, कोल तार और पेट्रोलियम है। अमलगम होते हैं, ये मिश्र धातु होते हैं। इस तरह बच्चों हमने विगत वर्षों में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्न जो रासायनिक विज्ञान से संबंधित हैं, उसको हमने बारी बारी से अध्ययन किया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।